महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मंथन जारी है। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बीच बातचीत हुई थी, तो वहीं आज महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी और अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को महाराष्ट्र की राजनीतिक हालात के बारे में अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक अगले दो दिनों में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता तो शामिल होंगे ही, इसके साथ साथ कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी कई सीनियर नेता हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि पहले कांग्रेस और एनसीपी के नेता आपस में चर्चा करेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे तर्क ये भी दिया गया है कि महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ा था, ऐसे में पहले हम दोनों के बीच आपसी सहमति बने और उसके बाद शिवसेना के साथ बातचीत की जाएगी।